नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं अर्गो चटर्जी, माय लाइफ माय व्यू। दोस्तों, मैं मुदुल हाउंड को लेके आज एक फिर से वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आया था पिछले वीडियो में, जो व्यूअर से और डिटेल में जानना चाह रहा है, क्योंकि मुदुल हाउंड के बारे में अभी भी हम लोग इंडिया में काफ़ी कम जानकारी है, क्योंकि ये साउथ का ब्रीड है और लास्ट 4-5 साल से इसका जो क्रेज बढ़ा है, और ये अभी इंडियन आर्मी भी यूज कर रहा है, इसलिए भी इसका क्रेज बढ़ा है। आज मैं आपको इसका हाइट, इसका टेम्परमेंट और एग्रेसिवनेस, और ये सारे चीज के बारे में बताऊंगा। मुदुल हाउंड जो है ब्रीड, ये कर्नाटक का ब्रीड है और कुछ पार्ट महाराष्ट्र का भी कुछ पार्ट में मिलता है, और कुछ आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का कुछ कुछ पार्ट में मिलता है। दोस्तों, मुदुल हाउंड का जो मुदुल हाउंड से मिलता जुलता हम लोग का इंडिया में काफी सारा डॉग मिलता है, जैसे रामपुर ग्रेहाउंड उत्तर प्रदेश में मिलता है, उसके बाद कन्नी डॉग, चिपी पराई और ग्रे हाउंड, ये सब काफी मिलता जुलता है, पश्मी, उसके बाद सलूगी। लेकिन मुदुल हाउंड का जो एक कुछ खासियत है इसमें, बाकी डॉग से इसको अलग करता है, इसका टेम्परमेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। हम लोग जैसे घर में लेब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, डोबरमैन रखते हैं, हम तो इसको छोटे से हम 45 डेज में लाए थे और अभी इसका 2 साल हो गया। मेरा घर में भी एक छोटा बच्ची है, इतना मतलब ये बच्चे के साथ फ्रेंडली होता है, लोग कभी एग्रेसिव नहीं होता है, अपना फैमिली मेंबर के लिए बहुत ही लॉयल होता है। हाँ, लेकिन स्ट्रेंजर के लिए लोग काफी एग्रेसिव होता है, जैसे कोई भी जानवर हो, कोई भी मूवेबल, मतलब कोई भी, अगर मान लीजिए चिड़िया भी उड़ता है। इन लोगों का कुछ खासियत है, ये लोग 6 फीट जंप कर सकता है एक जगह खड़ा होके। इन लोगों का जो स्पीड है ऑन रिकॉर्ड है, जो इंग्लिश ग्रेहाउंड है, अराउंड 70 किलोमीटर स्पीड है ग्रेहाउंड का, और मुधुल का भी काफी अच्छा, 60 किलोमीटर से ऊपर इसका एवरेज जो स्पीड है, रनिंग का स्पीड है, इसका भी आ जाता है। और इसका जो खाने पीने का है, खाने में हम डेली हम चिकन खिलाते हैं, और कभी कभी गर्मी का सीजन में दही भी देता हूँ और वेजिटेबल्स भी खिलाता हूँ। और जब छोटे थे तब हम डॉग फूड खिलाते थे, लेकिन 6 महीना के बाद मैंने जो घर में बना हुआ अपना जो प्रिपरेशन करके वो उसी फूड को खिलाता हूँ, अभी डॉग फूड नहीं खिलाता हूँ। और इसका जो आपका कैल्शियम के लिए, मैं जर्मन मेड आपका होम्योपैथी दवा आता है कैल्केरिया, तो उसको हम खिलाते थे जब छोटे थे। और इसको मेंटेनेंस बहुत ही इजी है, आपका कोट भी इतना आपका बाकी डॉग के जैसा इसका कोट नहीं झड़ता है, काफी छोटा है इसका कोट जो है, बहुत ही आपका छोटा है। और इसका ये जो हाइट है, मेल का मुदुल हाउंड मेल का हाइट आपका करीब 32 इंचेस होता है। हमारे जो देश में जो जितना भी डॉग मिलता है, ये इस ब्रीड वन ऑफ द टॉलेस्ट होता है उनमें से, और फीमेल का आपका 30 इंचेस तक होता है फीमेल। मेरा जो ये है स्नूफी का हाइट भी 30 इंचेस है, बहुत ही प्यारा डॉग है। लेकिन एक आपका इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, डॉग का प्राइस भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इस कर्नाटक गवर्नमेंट जो मुदुल हाउंड डॉग है उसका जो रेट है एकदम फिक्स रखे हैं, 10,000 रुपीज एक डॉग का कीमत है, और पेपर अगर आप पेपर लीजिएगा तो 2,500। जब हम लिए तो उस समय 10,000 और पेपर के लिए एक्स्ट्रा 2,500 रुपीज हमको मेरा लगा था, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी ज्यादा लगता है, क्योंकि बागलकोट से आपका मैं रहता हूँ जमशेदपुर में, और जमशेदपुर तक हमको लाने में, एक डॉग लाने में मेरा करीब 25,000 लगा था विथ ट्रांसपोर्टेशन। तो आप लोग भी रख सकते, आप लोग जो जो भी डॉग लवर है, जो डॉग रखे आप लोग, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे देश का नस्ल है ये, और कोई
कोई चीज में लोग कमी नहीं है, देख ही रहे हैं आप लोग कितना एक्टिव है। और एक आपको मधु लाउंज का बारे में इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये लोग बहुत मतलब अगर दिन भर में 18 घंटा 20 घंटा सोए रहता है ये लोग, लेकिन जब ये लोग उठता है इतना एक्टिव हो जाता है, मतलब जैसे आप करोगे, आप अगर इसको लेके सुबह टहलने के लिए निकलोगे तुरंत एक्टिव हो जाएगा, फिर घर आके आप छोड़ दोगे थोड़ा देर बाद ये लोग सो जाएगा, मतलब। और इन लोगों का जेनेटिक भी थोड़ा अलग है दूसरा डॉग से, इन लोगों का रेड ब्लड सेल काफी ज्यादा होता है इसीलिए लोग तुरंत एक्टिव हो जाता है। अब बहुत इंटेलिजेंट है, और एक खासियत है ये लोग 260 डिग्री एंगल तक देख सकते हैं, मतलब ये लोग अगर शिकार का पीछे भागता है तो पीछे भी इन लोग का कवर करता है, लोग 260 डिग्री एंगल तक इन लोग का विजन का जो ये है। और एक खासियत है इन लोग का स्निफिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, मुदुल हाउंड के बारे में जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा, तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको जानकारी चाहिए मुधुल हाउंड के बारे में, प्लीज आप लोग मैसेज कीजिए हमको, मैं जवाब देने का कोशिश करूंगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।